बुधवार के दिन अदरअष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। आरा मूंग की कटोरी भर लो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी, गुड़ की बट्टी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर अष्टमी तिथि के दिन बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाए, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आई, और तुमने एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प भी, एक चावल का दाना भी, एक लोटा जल भी अगर विश्वास के साथ शिव जी को समर्पित करा है, तो फिर शंकर तुम्हें खाली नहीं छोड़ता, झोली भर कर ही छोड़ता है, ये निश्चितता है। सौभाग्यवती नारी की गोद में जब सुहागिन होती है, माताएं जब बैठती है, तो चना और गुड़ का महत्व क्यों है? क्यों श्री हनुमंत लाल जी को चना और गुड़ लगता है? क्यों श्री शनि महाराज जी को चना और गुड़ लगता है? क्यों भगवान नारायण को चना गुड़ लगता है? क्यों देवता को चना और गुड़ का विशेष महत्व होता है? क्यों देवी को चना गुड़ का महत्व होता है? आपके उत्तर प्रदेश में एक महादेव हैं, श्री कल्याणेश्वर महादेव। उत्तर प्रदेश में कभी मौका लगे तो एक बार दर्शन करना। राजा नल और दमयंती जब वापिस सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, एक बार घूमते घूमते जंगल में चले गए, और जंगल में गए तो इनका नियम था शिव जी को जल चढ़ाने का। ये लोटा भर के जल लाए और शंकर भगवान पे चढ़ाया, चढ़ाया तो वो जल इनको दिखा नहीं, इनको गुस्सा आ गया, आचमन करना था, जल कहाँ चले गया, क्रोध में आकर कह दिया, ऐसा क्या शिवलिंग जिस पे जल चढ़ा और जल ना दिखे, मेरा पानी क्या कम था, ए हजारों घड़े गंगा का जल लाया जाए और शंकर भगवान पर चढ़ाया जाए। अब शिव जी ने परीक्षा लेना प्रारंभ कर दी राजा नल और दमयंती की, ऐसी परीक्षा ली, हजारों घड़े जल शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाए गए, पर एक बूंद जल शंकर के शिवलिंग पर नहीं दिखा। आज भी वो कल्याणेश्वर महादेव पर तुम हजारों क्या टैंकरों से जल चढ़ा दो, तो भी एक बूंद जल कल्याणेश्वर के ऊपर नजर नहीं आता। आज भी वो शिवलिंग उत्तर प्रदेश में विराजमान है। जरा नेट पे सर्च करिए, होगा हापुड़, हाँ हापुड़ जिला में चलते, सही, हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक पकड़े हैं, बिल्कुल सही। अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, हो कम से कम आदि कथा तो आप सॉल्व कर दिए हैं हमारी, हो यही यही शिव कृपा। कभी मौका मिले तो अवश्य जाइएगा, हजारों लीटर जल उन पे चढ़ा के देख लेना, कुंटलों से जल चढ़ा कर देख लेना, जितना दूध बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना, जितना दही बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना, जितना शहद बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना, जितना घी बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना, एक बूंद घी शहद कुछ भी उस शिवलिंग पर नहीं दिखता, सारा की सारा देवाधिदेव महादेव का इतना बड़ा शिवलिंग है, उसमें सब समा जाता है, एक बूंद पानी नजर नहीं आता, सब उसके अंदर उतर जाता है, वो कल्याणेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर। बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। आरा मूंग की कटोरी भर लो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी, गुड़ की बट्टी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर अष्टमी तिथि के दिन बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाए, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज
कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा।